नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। जिला अध्यक्ष विजय बाबर ने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी संघ को जो सस्ती जमीन दी जा रही है उसका विरोध भोपाल में कर रहे थे, तब उन पर वाटर कैनन से जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और अभद्रता की है उसके विरोध में युवा कांग्रेस झाबुआ के विधानसभा के अध्यक्ष बबलू जी कटारा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा फव्वारा चौक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया। यूथ कांग्रेस आईटी सेल के शाहरुख खान ने बताया, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देते हुए कहा था कि पूरे प्रदेश में कल गृह मंत्री के पुतले जलाए जाएंगे और पुलिस प्रशासन रोक सके तो रोक ले। और आज उनकी चुनौती को झाबुआ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय भाबर के नेतृत्व में पूरा करके दिखा दिया, जिसमें प्रमुख रूप से सुनील भूरिया जी, थावरिया भाई डामोर, दरियाव सिंघाड़, अब्दुल भाई, संजय परमार जी, महेश, आयुष ओहारी, रोहित हटीला, मुकेश गुड़िया, लक्की खराड़ी, नवेश व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी तरह राणापुर बस स्टैंड पर भी NSUI जिला अध्यक्ष विनय भाबर, यूथ कांग्रेस के प्रकाश प्रभार नंद किशोर बामनिया, धर्मेंद्र सोलिया, अमित भाबर, अनिल भूरिया संतोष, दिनेश परमार, मनोज उपस्थित कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री हाय हाय बीजेपी हाय हाय के नारे लगाकर पुतला दहन किया। गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया, क्या वजह रही? देश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बीच में विरोध किया था कि जो जमीन RSS को दे रहे हैं एक रुपये जो भी आता है मीटर में, तो उसका विरोध है। वो जहाँ पे विरोध करने गए थे भोपाल में, उनके ऊपर वाटर कैनन से इन लोगों ने बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया है उसके विरोध में हम लोगों ने ये पुतला दहन किया है। आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, महिला बलात्कारों से आगे है, उसका विरोध भी हम साथ में करते हैं। विजय भावत, जिला अध्यक्ष कांग्रेस।